श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयहं ददाति शपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशिकाय। तो श्रील रूप गोस्वामी वो हरिनाम के गुण गान करते हुए उन्होंने नाम अष्टकम लिखा है। तो हरिनाम के गुण गान करते हुए नाम के ऊपर 8 श्लोक उन्होंने लिखा है। और हमारे गुरु महाराज जो शिष्य मज्जापिता का स्वामी गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो इस नामाष्टकम को बहुत उल्लेख करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उसमें 2 नंबर श्लोक में बताया गया है, श्री नाम धेया मुनिविंद्र गेया जनरंजनाय परमाक्षराकृते तम नादरादपि मुनिगोदीरिताम् निखिल उग्रतापम् पटलिम विलप्ससि। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि श्री नाम धेय मुनि विंद गेय, जो मुनि ऋषि महात्मा गण वो श्री नाम भगवान के नाम का हमेशा ध्येय ध्यान करते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति ध्यान कर रहा है, पता है, इस दुनिया में हर व्यक्ति ध्यान कर रहा है। योगी लोग भगवान का ध्यान कर रहे हैं या भक्त लोग भगवान का ध्यान कर रहे हैं और बाकी लोग ध्यायते विषयं पुंसो संगस्ते शुपजायते। तो ध्यान सब कोई कर रहा है। अगर भगवान का ध्यान या भगवान का नाम का ध्यान नहीं करेंगे तो भौतिक विषयों का ध्यान होता रहेगा। तो इसलिए अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान का ध्यान करना चाहिए। और कलयुग में भगवान के ध्यान करने की विधि है श्री नाम ध्येय, भगवान के नाम का ध्यान करना, भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री नाम ध्येय मुनि बिंद्र गेय, तो मुनि ऋषि महान व्यक्तिगण ब्रह्म जपे चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, शिव जपे पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो साधारण व्यक्ति का क्या कहना, ब्रह्मा शिव सभी महान महान व्यक्तिगण लक्ष्मी सब लोग भगवान का नाम का जप कर रहे हैं। श्री नाम धेय मुनि बिंद्र गेय जनरंजनाय परमाक्षराकृते। भगवान इस नाम के रूप में प्रकट हुए, परम अक्षराकृते, परम अक्षर के रूप में प्रकट हुए हैं, जिसको कहते नाम ब्रह्म। नाम ब्रह्म या इसको कहते तारक ब्रह्मो, तारक मतलब जो तारण करते हैं, मतलब उद्धार करते हैं, नगर ग्राम तारिने। तो तारक शब्द का अर्थ है जो तारण करते हैं, जो उद्धार करते हैं। तो ये जो भगवान के नाम है ये कलिजुग के सभी लोगों को उद्धार कर सकते हैं, इसलिए युग धर्म है।
तो श्री नाम ध्येय मुनिबिंद्र गेय जनरंजनाय परमाक्षराकृते। तो भगवान इस परम अक्षर के रूप में प्रकट हुए हैं। कलयुग में भगवान के तीन अवतार हैं। पहला है दारू ब्रह्म जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी की, पुरी में जाएंगे तो दर्शन होगा दारू ब्रह्म। दूसरा है शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है श्रीमद् भागवतम, जो भगवान के वाङ्मय अवतार हैं। शब्द ब्रह्म या ग्रंथ अवतार। और तीसरा है नाम ब्रह्म। तो अक्षर के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, अक्षर के रूप में। तो भगवान से अभिन्न हैं, भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है। अभिन्नत्व नामो नामिनो, पद्म पुराण में नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नामो नामिनो। तो भगवान के नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान अपने धाम में है और हम लोग इधर से भगवान का नाम ले रहे हैं, नहीं। जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान आपके जीवा में प्रकट हो जाते हैं। जब आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, भगवान आपके साथ है। तो जितना एक व्यक्ति विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ भगवान के नाम का जप करते हैं, अर्थात उनको विश्वास करते हैं कि भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षा अष्टकम में, क्या कहते हैं, नाम नाम सत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल। तो भगवान ने अनेक नाम लिया है और उसमें वो अपने सारे शक्ति अर्पित कर दिया है। इस दुनिया में व्यक्ति और नाम में फर्क है, व्यक्ति और नाम में फर्क है। इसका नाम है पद्मलोचन, लेकिन वो अंधा भी हो सकता है ना। नाम और व्यक्ति में फर्क है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वस्तु और व्यक्ति में कोई, वस्तु और नाम में कोई फर्क नहीं है, भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कोका कोला, अगर कोई कोका कोला जप करते हैं, या वाटर वाटर वाटर, पानी पानी पानी, जल जल जल, क्यों यदि उच्चारण करे तो ताले की तार जो तृष्णा सेटा के मिटबे, उनका प्यास बुझेगा? जब तक पानी नहीं पिएगा तब तक प्यास नहीं बुझेगा। इसका मतलब है पानी और जो ओरिजिनल पानी, पानी जो शब्द है और ओरिजिनल पानी दोनों अलग है, लेकिन कृष्ण का नाम और कृष्णा एक है। और इसलिए कृष्ण है आनंदमय, कृष्ण है आनंदमय या रस वैश्य, सभी रस के आधार है। इसलिए जब हम लोग नाम का जप करते हैं तब हमें भी आनंद या रस प्राप्त होता है। इसलिए तो सुबह से लेके शाम तक हम लोग जप कर पाते हैं। साल के बाद साल के बाद सालों के बाद लोग एक ही मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र एक ही है लेकिन रस अलग अलग मिलता है। समझ में आ रहा है? तो श्री नाम ध्येय मुनिबिंद्र गेय जनरंजनाय परमाक्षराकृते, भगवान परम अक्षर के रूप में प्रकट हुए हैं। तो भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है, और भगवान प्रकट हुए किस लिए? जनरंजनाय, सभी जन और जनता को आनंद देने के लिए। जनरंजनाय परम अक्षराकृते, सभी जीवों को आनंद देने के लिए भगवान इस भौतिक संसार में सब लोग दुख भोग रहे हैं,
और ऐसे दुख पीड़ित लोगों को आनंद देने के लिए। सभी लोग सुन रहे ना, जनरंजनाय परमाक्षरा कृते तमना दरादपि मुनि गुदीरी तम निखिल उग्र तापम पटलिम विलक्षसि। इस दुनिया में सभी लोग दुख भोग रहे, उग्र तापम कष्ट भोग रहे हैं, अलग अलग प्रकार से शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है कि नहीं, सामाजिक कष्ट है, राजनैतिक कष्ट है, प्राकृतिक कष्ट है, अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं। सब लोग जगे रहिएगा। हाँ, तो अलग अलग प्रकार के दुख हैं, है कि नहीं। गीता में भी भगवान कहते हैं दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। सभी लोग दुख भोग रहे हैं। दुख का कारण है पाप, पाप का कारण है अज्ञान अर्थात भगवान को भूल जाना। तो अभी रूप गोस्वामी पद कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस नाम ब्रह्म जो भगवान स्वयं अक्षर के परम अक्षर के रूप में प्रकट हुए हैं, इसका अगर कोई जप या कीर्तन करते हैं, इसका कोई आश्रय लेते हैं, तो हरि नाम क्या करते हैं उनको, तमना दारोदपि मुनि गुदीरितम निखिलो उग्र तापम पटलिम विलप्सि, उनको सभी उग्र ताप से वो मुक्त कर देते हैं। अगर कोई भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान उनको इस जो भौतिक जगत में उग्र ताप है, कष्ट है, दुख है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उनसे उनको उद्धार करते हैं। तो अभी रूप गोस्वामी पद कहते हैं तमना दरादपि, अगर कोई बिना आदर के साथ भी भगवान का नाम लेते हैं, नाम प्रभु इतने दयालु है, नाम प्रभु इतने दयालु हैं कि उनके सारे दुख मिटा देते हैं। ऐसे अजामिल ने भगवान का नाम को पुकारा था नारायण बोल के, वो क्या आदर के साथ पुकारा था, वो तो नारायण मतलब अपने बेटा का नाम था नारायण, उनको पुकारा था, लेकिन तुरंत विष्णुदूत आ गए और जम लोक जाने से उनको बचाया। हालांकि आगे चल के अजामिल को पता चला कि भगवान कितने दयालु है, मैं तो मेरे पुत्र को बुलाया था, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं हमें नरक भोग से बचाया, मेरे इतने सारे पाप, मैं ब्राह्मण होने के बाद भी मैंने इतने पाप किए, फिर भी भगवान हमें सारे पाप से मुक्त कर दिया केवल उनके नाम लेने के कारण। अभी मैं उस भगवान के प्रति कैसे मैं कृतज्ञता व्यक्त कर सकूं, और ये विचार करके अजामिल बहुत सीरियसली जप करने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे आचार्य कहते हैं आनंदे बोलो हरी हरी, और अगर करते हैं तो क्या होगा, हरी करीबे भवपारी, आनंदे बोलो हरी हरी, हरी करीबे भवपारी। अगर आप हरि नाम करते रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, और जब भी हरि नाम बंद कर देंगे तो दुख फोन लगा रहे, आप उधर हैं, ओके मैं आ रहा हूं आपके पास। तो इसलिए हरि नाम करते रहना चाहिए। तो इसलिए हम सुबह गा रहे थे, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हय ग्रीव विभावरी शेषो आलोक प्रवेशो निद्रा छारी उठो जीव। निद्रा से उठ के क्या करना चाहिए, हरि नाम कृष्ण नाम,
हरि नाम कृष्ण नाम बरोई मधुर, तारपर जे जन कृष्ण भजे से बरो चतुर। हरि नाम कृष्ण नाम बरोई मधुर जे जन, तारपर जे जन कृष्ण भजे, मिलछे ना ओतटा पुरोटा, हरि नाम कृष्ण नाम बरोई मधुर जय जान कृष्ण भजे से हाय चतुर, ऐसा बोला। तो अभी हम लोग हैं, हमारा जप कंप्लीट करेंगे, तो आशा करते बहुत लोग का नाम बचा हुआ है, जप संख्या पूरी नहीं हुआ है, तो हम लोग बाकी सब फतूर, तो हम लोग 130 तक जप करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा।